हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के एक टॉपिक नेमेटोफोर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है। तो देखिए, होता क्या है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इनकी जड़ें ऑक्सीजन नहीं खींच पाती है, इसलिए इनकी जड़ें धरती से बाहर निकल जाती है और अपोजिट ग्रेविटी मूव करती है, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींच लेती है। इन्हीं जड़ों को नेमेटोफोर्स कहते हैं। तो इसका एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल है, राइजोफोरा, लेकिन कई बार बाहर से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है रवि, तो जिसमें आर फोर है, राइजोफोरा, एंड ए वी आई, इससे होगा एविसेनिया। तो यही दो एग्जाम्पल है जो जनरली नीट और एम्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड ये एनसीईआरटी से बाहर से पूछ लिया जाता है, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपको याद रखना है रवि, जिससे आपको दोनों एग्जाम्पल याद रहेंगे, आर फोर राइजोफोरा एंड ए वी आई फोर एविसेनिया।